हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल रात हम लोग आ चुके थे चंडीगढ़, एंड हमारा एक शूट था बहुत अर्जेंट, तो आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं, डन करते हैं जल्दी से। खुशी भी ऑलमोस्ट रेडी है, भवजीत रेडी है, मैं रेडी हूँ। कल हमें रियो की ग्रूमिंग करानी है, दैट्स व्हाई कल हम ग्रूमिंग करा के दोपहर तक होपफुली घर के लिए निकल जाएंगे। राजा भी अच्छा फील कर रहा है, मेरी तबीयत भी बहुत बेटर है, मतलब कल परसों के मुकाबले कल बहुत अच्छी थी, कल से आज बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो फिलहाल इसकी भोलू की हालत क्या हो रही है, बिकॉज लास्ट 10-12 दिन से आप लोग देख रहे होंगे रियो के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा, बिकॉज राजा की भी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही थी, मेरी भी। उससे पहले हम लोग चंडीगढ़ थे, तो ये क्या है, घर पे जो लोन है उसमें बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करता है, इसको मज़ा आता है, इस वजह से नीचे से जितने भी फर हैं, इसके जितने भी बाल हैं, सारे खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं लिटरली। तो आज को नहलाते हैं पहले, कल मतलब इसकी वैक्सीन पेंडिंग है, एक वो कराते हैं, फैब का टाइम था उसका, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तब देखेंगे। अगर इसको थोड़ी कटिंग की ज़रूरत होगी तो नीचे से कटिंग कराएंगे और आइज़ के सामने से कराएंगे, देख लो उसके जरा नाटक। और फिर अभी राजा को क्या था, डायरिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए राजा के पास अभी नहीं जाने दे रहे हैं, बिकॉज इन्फेक्शन का डर रहता है थोड़ा सा, तो इसे अभी क्या है, हम कुछ दिन ऊपर अपने पास ही रखेंगे। आर यू रेडी बेबी? यस ऑलमोस्ट। चले फिर, चलो। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे शूट के लिए, और अभी अंदर चलते हैं जल्दी से, पहले काम निपटाने की ट्राई करेंगे, बिकॉज अगर मैंने एक बार भी लो फील कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी शुरू। पहले तो सबसे पहले शिल्पा धोखे बाद को देखो, साहिल भाई को देखो, इन्होंने वादा करा था हमसे कि ये मिलेंगे आके, और चंडीगढ़ नहीं बिहार ही है बस, इसके बाद थोड़ा सा शूट खत्म करके आप ही के पास आने वाले थे, सच में। अच्छी बात है। ऑडियो चलाना एक बार, आप ही चला दो। उसमें पैर कैसे करे, पैर देखो, इफ यू वांट टू नहीं बॉडी कर लेते ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे पाजी से, ठीक है? ऐसे बेसिकली ना खुशी तीन पैच में करेंगे, खुशी मुझे फ़ोन कर रही है, और फिर खुशी ने देखा कि यार कट कर रहा है, तो उसने कट कर दिया फोन, इधर मैं और आप बैठे हुए हैं, तो मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कट किया, मैं कहा हाँ और बताओ, हम बातचीत कर रहे हैं, इतने में इसकी एंट्री होती है, तो खुशी तो गुस्सा करके निकल रही है, तो आप जाओगे खुशी के पास, का हाथ पकड़ोगे, तो सबको वीडियो मिलेगा बेसिकली कि आप खुशी को कुछ बोलने वाले हो, फिर कहोगे और तू आ जा, फिर मैं आगे खुशी को रिंग डालूंगा और अब स्माइल कर, ठीक है? एक तो ये, एक डांस स्टेप भी कर लेंगे, फिर जो ज़्यादा बेटर दिखेगी वीडियो वो पोस्ट कर, ठीक है? और बताओ भाई आप सब, ठीक दिख रही है ना? मैं तो फिलहाल हमारी एक वीडियो हो चुकी है, खुशी मजा आ रहा है ना सब कुछ? Yes. मेरी एनर्जी धरती पे पड़ी हुई, कहीं देखो ढूंढ के दे दो कोई मुझे। अभी दवाई तो लिया मैंने, अभी तीन आउटफिट चाहिए थी मुझे, साहिल भाई की आउटफिट ये वाली पसंद आ गई, इसलिए मैंने सोचा एक में वीडियो हो चुकी है, अब दूसरी में साहिल भाई डाल लेते हैं। उन्होंने विवेक को नहीं बताया, विवेक ने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं एक के लिए आई थी। तो अब आपकी जैकेट आ गई, तो दो होगी मेरी भी, दो होगी, और तीसरे में वन पीस पहन लेंगे दोनों। हाँ पूरा सर्कल घुमा रहे हो ना सर्कल, फिर एकदम से लेफ्ट करोगे आप दोबारा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, एंड देन स्लो मोशन वाला बेसिकली, क्योंकि हम तो स्लो मो करेंगे थोड़ा। डन, एक बार करना दोनों, तो मैं समझ लूंगी, कौन मूव्स देख लूंगी। हां पाजी, पर ऑडियो सब झूठ लग दाए, जन्ना कितनी बार करना है भाई? दो बार ना करना है, पर बीच में आप तो स्लो मो पे चले गए, लेफ्ट राइट। एक तो ये है अब जो अपने बताया, पाजी एक बार रिपीट करना, एक बार ऑडियो। अब देखना यहाँ पे अगर हम चार चार करेंगे, रेडी करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर ये ज्यादा लंबा नहीं होता? हाँ, ये क्योंकि हमारे पास दो मूव आ जाएंगे। नहीं फिर तीन बार होगा, फिर मेरे ख्याल में चार ही होगा बेटा, 100%। चलो पाजी को थोड़ा फ्रंट में ले आओ, आप लोग थोड़ा पीछे पीछे से क्लोज हो जाओ। सोच रहा हूं मेरा पाजी एकदम मारेंगे ना, अरे एक बार खुशी का थोड़ा मैं आगे हो जाता हूं। हां ये परफेक्ट है, अब झूठ लग वो ये मम्मी तेरी ये रही है, ओके मम्मी ये है, मम्मा बड़ा गुस्सा करते हैं, हाँ पेरेंट्स गुस्सा करते हैं साथ में। इसको ऐसे करना अच्छा लगता है ना, देखा ना विवेक ब्रो कैसे जाए, और ये मस्त। अरे पहले बेसिकली सीन क्या है ना, मुझे पहले डॉग से बहुत डर लगा, जब से हमने रखा ना मुझे सच में, और सच में अगर हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसे खड़ा हो जाता ना, लेकिन ऐसा है कि हम ट्रस्ट हो जाता है, मगर नहीं कुछ कहेगा ये नहीं कहता बिल्कुल।
मथा टेक रहे जो आशीर्वाद दे दो भाई क्यूटू देख चबा मत दियो कहीं से भी अच्छी नहीं कपड़े में नहीं कुछ नहीं करेगा बेटू अरे आपके पास जैसे डॉगी भी है ना तो वो स्मेल ले लेते हैं लोग पता लगे मुझे रियो सोच के पटक दावेंगे मेरा अब देख मिलेगा अब देखना होगा उफी भूल गया कौन बुला रहा है थैंक यू सो मच मिलते हैं जल्दी ओके भाई ठीक है ओके ब्रो चले बाबू ओके बाय 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 दीदी बाय बाय जी बाय सो विवेक को भूख लग रही थी और कुछ वेज खाने का मन था क्योंकि इनके हेल्थ की वजह से हम इनको कुछ ऐसा भी नहीं दे सकते एग वगैरह भी वरना घर पे ऑमलेट बना देते तो अभी हमने वेज राइस बाउल ले लिए हैं सबके मुझे कुछ खास भूख नहीं हुई मैंने खाना खा लिया था वहाँ पे और साथ में बनाएंगे हम लोग कॉफी घर जाके हम लोग फिलहाल आ चुके हैं फ्लैट पे और खाने के लिए थोड़ा सा राशन पानी लेके आए थोड़ा हेल्दी मतलब बेसिकली राइस लेके आया हूँ तो क्या है थोड़ा सा मेरी हेल्थ को भी वो थोड़ा सा सही रखेगा राइस तो थोड़ा खा लेना चाहिए और सच में एनर्जी ने एक दो बार वीक हुई एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी और अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेटेड रखा तभी हम लोग करके आए हैं और कर्मी पूजा है मेरी पॉजिटिव मेरी कंडीशन हाँ कर्मी पूजा है लेकिन ये तो बात मानना पड़ेगा इसलिए मैंने अपने कर्म को पूजा माना तभी मैं आया ना खुशी ने तीन बार बोला बाबू कैंसिल कर दो बाबू मैंने कहा कि लेकिन अगर हम काम से इतना जी चुराएंगे तो काम हमसे जी चुरा लेगा और अब हम जाएंगे थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग करने अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट तीन चार गाने हैं मेरे आने वाले हैं जो कान से खून निकाल दूंगा एक गाने का नाम है इंट्रो एल्बम जो मेरी ईपी है ना जो मेरी ईपी है उसका जो पहला जो गाना है पहले गाने का नाम है कान से खून निकाल दूंगा पहले गाने का नाम है सुनो मेरी एल्बम के पहले गाने का नाम है खून निकाल दूंगा कान से खून निकाल दूंगा दूसरे का नाम है छीने नहीं दूंगा तीसरे का नाम है मांस नहीं दूंगा और चौथा जो गाना है ना चौथा जो गाना है वो मेरा फेवरेट है ये सोचकर तू सोचता है कि तू बच जाएगा हम आ चुके वापसी सो फिलहाल शूट करके हम लोग आ गए थे फिर आके हम लोग सोए खुशी को फिर मैं यहीं सोते हुए छोड़ के चला गया था लेकिन मैं बवजीत और आर्य गए थे हमारे जो अपकमिंग सॉन्ग्स हैं मतलब बवजीत के सो वो डमी रेडी करा के आ चुके हैं कल का भी थोड़ा सा काम है कल मुझे रियो को लेके जाना जैसे मैंने आप लोगों को बताया था तो कल मैं वो काम करूंगा बवजीत अपने डमी रेडी कराएगा सो उसके बाद क्या है फिर हम लोग घर निकलेंगे कल शाम को सो एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए राजा ठीक हो गया है तो छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है लेकिन पहले क्या है भाई के पास जाते हैं राजा बाबू के फिर जाके उसी के साथ बैठ के सबको बताएंगे सबके साथ आप लोगों को बताएंगे तो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड गाइस अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना थैंक यू सो मच राजा के लिए इतनी ब्लेसिंग्स करने के लिए मेरे लिए करने के लिए सो दिल से लव यू आप लोगों को ऐसे व्लॉग को प्यार देते रहिए शेयर करते रहिए अपनी फैमिली फ्रेंड जितने भी ग्रुप से सब में शेयर किया करें एंड मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय